इस रोड पर इतना भयानक एक्सीडेंट कोई अंदाजा लगा नहीं सकता है। स्पीड कितनी होगी ये आप यहाँ से जो परकच्चे उड़े हुए हैं, इसके जो हेडलाइट जो उड़ा हुआ है और जिस प्रकार की इस गाड़ी की हालात है ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। परिजन इस हालात में नहीं है कि वो बात कर सके और बता सके। इस वक्त मैं जयंती स्टेडियम के बगल से जो रोड ब्लाई स्टील प्लांट से होकर रसाली की ओर जाती है, जो ब्लाई टाउनशिप के इलाके में आती है, मैं वहीं पर मौजूद हूँ। यहाँ आने की वजह यह है कि यहाँ पर कुछ देर पहले ही एक अनियंत्रित बाइक जो काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी वो यहाँ पर इस पेड़ से काफ़ी ख़तरनाक तरीके से टकरा जाती है। वो अनियंत्रित बाइक में जो युवक था उसे बेहद गंभीर चोटें लगती हैं उसके सर पर और उसे तत्काल प्रभाव पर सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया जाता है। ये घटना कैसे हुई और इस घटना के पीछे क्या कारण था ये समझते हैं। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देख रहे हैं। आइए चलते हैं उस पेड़ के पास जहाँ पर वो गाड़ी तेज़ रफ्तार से टकरा जाती है। ये देख रहे हैं आप, ये ताज़ी चोट है इस पेड़ पर और इस पेड़ के आसपास उस बाइक के पुर्जे पड़े हुए हैं। इसी वो जो गाड़ी है उसी स्पीड से जो काफ़ी अनियंत्रित हो गई थी उस युवक के लिए, वो यहीं से होकर गुजरती है और इस पेड़ के उस पार यहाँ आकर गिर जाती है। और वो बाइक आप यहाँ पर खड़ी देख रहे हैं, इस बाइक का जो नंबर है CJ07CQ5991। ये गाड़ी कोई बजाज की स्पोर्ट्स बाइक लग रही है जिसे काफ़ी रफ तरीके से चलाया गया, काफ़ी स्पीड से चलाया गया और ये गाड़ी मॉडिफाइड भी है जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप साइलेंसर जो है मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया गया है। तो इस गाड़ी से वो जो युवक है वो जा रहा होता है और स्पीड कितनी होगी ये आप यहाँ से जो परकच्चे उड़े हुए हैं, इसके जो हेडलाइट जो उड़ा हुआ है और जिस प्रकार की इस गाड़ी की हालात है ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस ओर जो है उस गाड़ी का हेडलाइट पड़ा हुआ है। यहाँ पर इस पूरे इलाके में इस गाड़ी के पूरे पुर्जे फैले हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस रोड पर इतना भयानक एक्सीडेंट कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं आपको स्पॉट पर वो एरिया दिखाने के लिए जहाँ पर इतनी ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाती है। इस रोड को देखकर या इस रोड में कोई भी ट्रैफिक नहीं है और ये एक्सीडेंट सीधा ये कहता है कि ये गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी और युवक के कंट्रोल में नहीं थी और वो इस पेड़ से आकर बहुत भयानक तरीके से टकरा जाता है। तो इस खबर पे और क्या कुछ अपडेट होंगे, बताया जा रहा है कि उसको सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया है। हम वहाँ पर भी पहुँचते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि युवक का क्या नाम है। वैसे युवक की उम्र ये बताई जा रही है कि वो 30 से 35 के बीच की है, मगर हम कंफर्म उम्र भी मालूम करते हैं और व्यक्ति कहाँ का था और किस ओर जा रहा था और उसके परिजन को इस घटना के बारे में मालूम है या नहीं है, ये सब की पूरी जानकारी वहाँ जाकर हम लेते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए। इससे पहले हमने आपको घटनास्थल पर जो तस्वीरें जो हालात दिखाए थे वहाँ पर हमें ये मालूम पड़ा कि युवक को सेक्टर 9 अस्पताल लाया गया था। तो हम भी सेक्टर 9 अस्पताल पर अभी मौजूद है और यहाँ आने पर हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो डॉक्टर से बातचीत हुई। डॉक्टर ने बताया कि युवक को घटनास्थल से अस्पताल लाते वक्त ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद परिजनों को भी सूचित किया गया और परिजन यहाँ पर अभी मौजूद है। हमने कोशिश की उनसे बात करने की, उनसे जानकारी लेने की कि युवक का क्या नाम था, क्या उम्र थी, कहाँ का रहने वाला है, ये तमाम जानकारी लेने की कोशिश की, मगर परिजन इस हालात में नहीं है कि वो बात कर सके और बता सके और वो चाहते भी नहीं हैं इस बारे में बात करना। तो हमने पूरी कोशिश की थी इसकी पूरी जानकारी आप तक लाने की। उस तेज़ रफ्तार ने उस युवक की जान ले ली। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण था और इस घटना से उस हर युवक को, उस हर व्यक्ति को सबक लेना चाहिए कि गाड़ी उतनी ही स्पीड में चलाए जितनी स्पीड में आप गाड़ी चला सके। तेज़ रफ्तार या किसी भी तरह की हवाबाजी आपकी जान ले सकती है।
इतनी बड़ी घटना कुछ देर पहले की है। हम ये अस्पताल पहुँचते हैं और ये जानकारी मिलती है। अब परिजनों का जो हालात, वो जिस हालात में है वो देखने लायक भी नहीं। तो इससे पहले मैंने अखबारों में पढ़ा था, इस साल 2023 में छत्तीसगढ़ में लगभग 1865 मौतें हुई हैं सड़क हादसों में, जिसमें से 1600 ऐसे मामले हैं जो केवल तेज़ रफ्तार के कारण हुए हैं। ये रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पुलिस की है। तो तेज़ रफ्तार से पूरे साल भर में कितने हादसे हुए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, ये आंकड़े मैंने आपको बताए हैं। और आंकड़ों को हर वक्त ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इस खबर के अंत में मैंने आपको आंकड़ों के बारे में बताया। बाकी हम उम्मीद करते हैं उस हर एक दर्शक से जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में इधर उधर जाते हैं, वो अपनी स्पीड को कम रखे और अपना ध्यान रखें और यातायात नियमों का पालन करें। केपी न्यूज़ को देखते रहिए, केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।